नमस्कार दोस्तों, मी मेघा बलादी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हम और दगड़िया मम्मी छो नीलम राजेंद्र प्रसाद बौखंडी। और आज हम पर सिलेंडर भरवाना कन जाना छो देवियो खाल मार्केट में। उन अक्सर हमार थापा दादा ले जान हमार सिलेंडर, लेकिन आज बिजी हुआ चक्का के काम पर हम तो मिले नहीं छी, इले मैं खुद ही अपर सिलेंडर लेकर ही जानो छो देवियो खाल। जय गुरु गोदर बाबा जी। पहले रुपए अच्छू चु ना बहुत अच्छू। क्या अमृत है वो? बहुत ताजा मीठा अमृत, जानते हो? अमृत वाला ये गुरु गोदर बाबा जी का पानी है। बहुत अच्छा। हाँ, एक बार एक प्यासा इंसान आया था ना, उसको प्यास लगी थी, यहाँ कहीं पानी नहीं था, और बाबा जी आए, गुरु गोदर बाबा जी, भोलेनाथ जी। उन्होंने उसने बोला, बाबा मुझे बहुत प्यास लगी है पर कहीं पानी नहीं है। तो उन्होंने देख इस पत्थर में ना चिमटा मारा था, यहाँ ऊपर पटांग से, और पानी आया। तब से लेके अभी तक पानी बस इतना ही बारीक आता है यहाँ पे। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ये पानी कभी कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, बस इतना ही आता रहता है। असली की गोदर बाबा के बाल थे? असली गोदर बाबा की थी। हाँ, असली का पी लो, अमृत है, पी लो, इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मतलब भूत सारे बीमारियां भाग जाती है इस पानी को पीने से। मम्मी, हाँ? वो फोड़े फुंसी सब कट जाते हैं। खैरा गया मामूल सिलेंडर बिसायल बाजार आने वाले से बस थोड़ा सा राव फोई। हैं? गोदर बाबा जी दी। हाँ, गोदर बाबा जी लो हम चिमटा मारना तेज से। चिमटा मतलब ऊपर बैठ, चिमटा मतलब बड़ू चिमटा, तब बड़े वो बड़े पैन बंदे नहीं होने। चिमटा वो हम गोदर बाबा मंदिर हम दिखो नहीं तुम दे। देखिए चिमटा। और अब हम घर जा रहे हैं देवियों खाल से, और स्कूली बच्चे आ रहे हैं। गुटखा गुटखा खा फेंक रहे हैं जुआ जी। और हम पहुंच गए हैं डाबरी सन में। आजा आजा सवा सवा, चलो 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 सवा सवा। बहुत दूर, बहुत ही थकान के बाद हम पहुंच चुके हैं डाबरी सन के पास। चलो 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 सवा सवा, चलो 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 चलो। आरू थकी तू? चलो चलो, मैं तो भरू सिलेंडर जिन चीज घर उणू। उफ, पूरा 30 किलो का सिलेंडर, बहुत भारी हो रहा है। आज ले जाने वाले मिले नहीं, थापा दादा वहाँ बिजी थे, तो हम आकृति को शर्म आ रही है। बैठ जाओ रे, बिसा दो, थोड़े यहाँ पे रुक जाते हैं, बहुत थक गए हम। सानू, ए सानू आ जा, हाँ दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में बहुत ही मेहनती लोग होते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे यंग हों, चाहे बूढ़े हों, हर कोई मतलब थकना और रुकना कभी नहीं सीखता और ना ही जानता है। इन्हें बस अपने काम और मेहनत से मतलब होता है। चलो एक बार दो हम बिस्ता दूला, बहुत थक गया, अब थोड़ा सी रह रहा हमारे घर,
उतको दूर बढ़ाए गए हम वक बढ़े यख 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 रोल फिर दो दो कालू 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 दोस्तों बहुत ही थकने के बाद अब हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं और हम अब ये इसको 15 की उकाल यानी 15 उकाली चढ़ाई में हम पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी सी देर हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, अपनी खैर फटाएंगे और उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे, दबा के खाना खाएंगे। बाय बाय दोस्तों, वीडियो पसंद आ ली तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिल दो छोड़ी वीडियो में, तब तक नमस्कार।